वेलकम टू माई चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई जस्ट होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और ढेर सारे खुश होंगे। सो अभी ना दोपहर का टाइम हो रहा है और अभी हम लोग खाने पीने से फ्री हुए हैं, तो मैंने सोचा कि ना मम्मी जी का एक मुझे पेटीकोट स्टिच करना था, सो वो मैं कर देती हूँ। तो अभी मैं मशीन लेके बैठी और आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग में तो मशीन चल रही थी, अब पता नहीं क्या हो गया, इतना धागा फंस रहा है कि मशीन चल ही नहीं रही है। गाइस, अभी अच्छा खासा मम्मी जी का पेटीकोट मैं स्टिच करने बैठी थी और बस एक कली मैं जोड़ पाई, उसके बाद मशीन में पता नहीं क्या हो गया है, मशीन चल ही नहीं रही है। मैंने बहुत कोशिश कर ली, नहीं चल रही है और मुझे बुरा लग रहा है सच में। मतलब इतने मन से मैं लेके बैठी थी, मैंने कहा आज करके ही रख दूँगी, अब मशीन नहीं चल रही है। और पता है 1 महीना हो गया होगा मम्मी जी को ये फैब्रिक लेके आए हुए। मम्मी ना वैसे सिलवा लेती हैं, इस बार मम्मी ने कहा तुम सिल देना, मैंने कहा ठीक है। और फिर मम्मी जी ने कहा कि रहने दो, हम डाल आते हैं, एक सिलाई वाली दीदी है थोड़ा, मतलब हम लोग के घर के पीछे ही उनका घर है, तो मम्मी ने कहा डाल आते हैं, तो मैंने मना कर दिया, फिर मैंने कट करके रख दिया। फिर मैं घर चली गई थी, अभी मैं आई तो मैंने कहा आज कर देती हूँ, तो मशीन नहीं चल रही है। ऐसे हो जाता है कभी कभी, सोचो कुछ और होता है कुछ है। तो अब मशीन सही करानी पड़ेगी, पहले सही कराने या तो भेजेंगे या फिर कोई आएगा गली में तो सही कराएंगे, फिर मैं कर पाऊँगी। और 2-3 सूट मैं लेकर आई थी अपने लिए, अभी घर गई थी तब, तो वो भी मुझे स्टिच करने हैं, वो सॉरी फिटिंग करने हैं, तो वो भी अब रह गया, तो देखते हैं। और पता है एक चीज़ और हुई है कि ना ड्रेसिंग टेबल मेरी लॉक हो गई है, उसका लॉक नहीं खुल रहा है, पता नहीं क्या हो गया है, तो वो भी हमें दिखाना पड़ेगा। तो पता नहीं क्या हो जाता है कभी कभी, एक के बाद एक चीज़ ख़राब होती जाती है। और अभी टाइम हो गया है आयरन की टैबलेट लेने का। और आप लोग पूछ रहे थे ना मैं आयरन कैल्शियम किस टाइम पे लेती हूँ, तो मैं खाना खाने के 2 घंटे बाद दोपहर के टाइम में लेती हूँ आयरन की टैबलेट, और शाम को डिनर करने के बाद मैं लेती हूँ 2 घंटे बाद कैल्शियम की टैबलेट, ठीक है। और स्टार्टिंग में ना मैंने आयरन कैल्शियम नहीं ली थी और फिर मेरा हीमोग्लोबिन बहुत कम हो गया था, तो अभी मैंने स्टार्ट कर दी है। मेरे को ना बहुत ज़्यादा वॉमिट होती थी इसीलिए मैं स्टार्टिंग में नहीं ले रही थी। और अभी देखिए यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स कट करने वाली हूँ क्योंकि मम्मी जी बनाने वाली हैं कल मेरे लिए गोंद के और ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, सो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए यहाँ पे मैंने छुहारे अच्छे से कट कर दिए हैं, और ना चाकू की हेल्प से ये कट नहीं हो रहे थे तो मैंने बटने की हेल्प से फोड़ दिया है। और अभी मैं शाम के काम में लगूँगी, झाड़ू वगैरह लगाऊँगी, फिर बर्तन और खाने पीने की तैयारी, तो ये सारी चीज़ें हैं। और आप लोग पूछ रहे थे कि मैं पूरे 9 दिन तक व्रत हूँ या नहीं हूँ, तो गाइज नहीं, मैं पूरे 9 दिन तक व्रत नहीं हूँ। फर्स्ट वाला और लास्ट वाला व्रत मैंने बस रखा है, मतलब फर्स्ट वाला रखा है और लास्ट वाला मैं रखूँगी, लेकिन मैंने पूरे 9 दिन तक व्रत नहीं रखा है। वैसे तो ना मैं मोस्टली रखती हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि इस बारी रहने देते हैं, घर पे भी सब लोग मना कर रहे थे, अगली बारी रख लेंगे अगर पॉसिबल हो पाया तो, फिर इसीलिए मैंने नहीं रखा है। और सही भी नहीं है यार, प्रेगनेंसी में मतलब मेरे को भी लगा कि ना रहने ही देते हैं, मन तो मेरा कर रहा था। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में, तो यहाँ पे मैंने दाल बनी रख दी है। दाल हमारे यहाँ मूंग की दाल खासकर हमारे यहाँ बनती है भगोने में, सो यहाँ पे मैंने हरी मिर्ची डाल दी है, दाल डाल दी है और नमक डाल दिया है और क्या डाल दिया है, हल्दी। और फिर मैं डाल दूँगी इसमें 1 छोटा सा चम्मच देसी घी, तो फिर मैं ऐसे करके दाल बने रख दूँगी ढक के, तो दाल बन जाएगी। तब तक मैं बाकी का काम निपटा लेती हूँ, सो यहाँ पे मैं बर्तन धोऊँगी, फिर मैं आटा लगाऊँगी, ऐसे करके सारा शाम का काम करूँगी। और सो गाइस, अभी मैं आई हूँ ऊपर वाले फ्लोर पे पूजा करने, शाम की आरती करने, और मैंने कर दी है। और 7 आई थिंक बज गए होंगे, 7 या 7:30 हो रहे होंगे, घड़ी में देख रही थी पर मेरे को याद नहीं रहता है। मैं घड़ी इस वाले रूम की ले गई हूँ नीचे वाले रूम में, क्योंकि नीचे वाले रूम की घड़ी हो गई थी ख़राब, तो मैं यहाँ की ले गई और सही वो हो नहीं पाई है अभी, ये आएंगे फिर मैं इनको बोलूँगी कि सही करा के लाएं। और गर्मी कितनी ज़्यादा हो रही है यार, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है।
जब गर्मी होती है तब मुझे और ज़्यादा परेशानी होने लगती है सांस लेने में, और जब बहुत सर्दी ऐसी हो जाती है ना, ठंडा सा मौसम, तब भी मुझे बहुत परेशानी होती है। मम्मी जी को मैं बोल रही थी कि ठंडा मौसम होता है तब मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है, और बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो भी मुझे प्रॉब्लम होने लगती है। और सगना सूरत को थोड़ा इग्नोर कीजिएगा क्योंकि गर्मी की वजह से देखिए बाल कितने चिपको चिपको हो गए ना। एंड गाइस, आज मुझे पता नहीं क्यों इनकी इतनी ज़्यादा याद आ रही है, इतनी ज़्यादा याद आ रही है, बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों कभी कभी बहुत ज़्यादा याद आने लगती है, ऐसे अकेला अकेला सा फील होता है, लगता है कि ये भी होते, वैसे तो ये आ जाएंगे फ्राइडे को, लेकिन कभी कभी बहुत याद आती है। और पता है कभी कभी लगता है कि इनकी इतनी सारी तारीफ करो, इतनी तारीफ करो, इतनी तारीफ करो, बहुत ज़्यादा, क्योंकि यार ये मेरी इतनी छोटी छोटी चीज़ों का इतना ख्याल रखते हैं, इतना ख्याल रखते हैं, हर हर हस्बैंड रखता है मुझे पता है, लेकिन मतलब बहुत अंदर से बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है। पता है क्या हुआ, परसों मेरी एक वीडियो मुझसे ही गलती से डिलीट हो गई थी यूट्यूब से, और अच्छे खासे व्यूज़ थे उस वीडियो पे, वो मुझे बहुत बुरा लगा देख के, बहुत ज़्यादा बुरा लगा। फिर मैंने जस्ट इनको कॉल किया, मैंने कहा मेरी एक वीडियो डिलीट हो गई है, तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम देख लेंगे, तो मेरे को कोई टेंशन नहीं है, अब ये देख लेंगे और वापस आएगी, अगर आ सकती है तो आ जाएगी, ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं है। तो मेरे को ऐसे कुछ भी नहीं आ रहा होता है या कुछ मेरे को प्रॉब्लम आ रही होती है यूट्यूब से रिलेटेड या और कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, मैं इनको बोलती हूँ कि आप ये चीज़ देख लेना, तो बोलते हैं ठीक है। तो लगता है कि ना कितना बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत हर एक चीज़ में मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं मेरा, वो फ्रिज खोल खोल के देखते रहते हैं कि फ्रूट्स हैं नहीं हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं गाइस, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इतनी सारी चीज़ें हैं, तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं ये मेरा, इसीलिए मुझे कभी कभी और भी ज़्यादा याद आती है। अब पता है क्या, मैंने आपको बोला था ना एक दिन कि मेरा नेट ख़त्म हो जाता है वीडियो अपलोड करने में, तो मैंने इनको बोला फिर कि ना मुझे नेट में प्रॉब्लम आती है, नेट ख़त्म हो जाता है, तो देखिए इन्होंने मेरे लिए वाईफाई लगवा दिया है। बोल रहे थे कि ना पहले क्यों नहीं बताया और ये वो वगैरह वगैरह, तो जब भी मैं ऊपर रूम में आती हूँ ना और ये वाईफाई देखती हूँ लगा हुआ, तो मुझे हमेशा इनकी याद आ जाती है, तो मुझे लगता है कि ना ओ कितने अच्छे हैं, मेरा कितना ख्याल रखते हैं। ठीक है, और बहुत सारी बातें मन में उमड़ उमड़ के आ रही है बोलने के लिए, लेकिन ठीक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, इनकी तारीफ हम किसी अगले वीडियो में करेंगे, बहुत सारी तारीफ करेंगे। फिलहाल मुझे बहुत गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा, मैंने फ़ैन ऑफ कर दिया है ना इसलिए, तो ठीक है गाइस, ये वाला वीडियो मैं यहाँ पे एंड कर रही हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, न्यू है चैनल सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो शेयर कर देना, मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, खुश रहिए, ख्याल रखिए।